नमस्कार बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिम्फैटिक सिस्टम तक के सभी टॉपिक को कवर कर लिया था, और आज बच्चों हम लिम्फैटिक सिस्टम के आगे एक्सक्रीशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो आखिरकार एक्सक्रीशन क्या होता है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हम न्यूट्रिशन करते हैं तो हम 5 स्टेप में उसे पूरा करते हैं, और 5वां स्टेप होता है इजेशन, मतलब बहिक्षेपण। मतलब क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालना। और मेरे प्यारे बच्चों, उसी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, ये उत्सर्जन जो है, एक्सक्रीशन जो है, इसको दूसरी भाषा में यानी कि दूसरे वर्ड में इजेशन भी कहते हैं, हिंदी में बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? ठीक है, इजेशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, टू रिमूव आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, को बाहर निकालना। ठीक है जी, को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के मतलब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं भाई क्या, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन उत्सर्जन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ कि हम लोग अब इस टॉपिक को कई चीजों में पढ़ेंगे, जैसे प्लांट में, एनिमल में, अदर एनिमल्स में, जो भी है वो सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। और साथ में ह्यूमन जो किडनी का स्वरूप है और ह्यूमन किडनी के बारे में जो बातें हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, फिर ह्यूमन के बारे में यानी एनिमल के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसे नोट कीजिए और फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट टॉपिक लिख लीजिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट टॉपिक लिख लिया, एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक काम करो, एक्सक्रीशन इन प्लांट मत लिखो बच्चों, सॉरी, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। डेफिनेशन लिख लो इसकी, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखो, लिखेंगे पहले हिंदी वाले लिख लेंगे। देखो, किसी भी जीवधारी के शरीर से विषैले अवशेषों के निकालने की प्रक्रिया, विषैले अवशेषों के निकालने की प्रक्रिया, यही सेम डेफिनेशन ही है, बस एक नई वर्ड जोड़ दिए, अवशेषों के निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक समझते हो ना, जहरीला, टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। आप लिखो, पौधों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट,
चलिए एक एक करके लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें अभी समझाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी कुछ समझाना था सब मैं शुरुआत के चैप्टरों में ही समझा चुका हूं, बस उस चीज को लिखवाना है। लिखेंगे, पौधों द्वारा उत्पन्न प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद, पौधों द्वारा उत्पन्न प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद, प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद CO2, जलवाष्प और ऑक्सीजन होता है, जलवाष्प और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखेंगे पौधे में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के गैसीय अवशेषों, समझते हो ना, गैसीय अवशेषों CO2 O2, ठीक है, लिख सकते हो, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, गैसीय अवशेषों ब्रैकेट में लिखना, गैसीय अवशेषों, अब ब्रैकेट में लिखो CO2 कॉमा O2 और जलवाष्प, CO2 O2 और जलवाष्प, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। को पत्तियों में रंध्रों और तनों में वात रंध्रों, तनों में वात रंध्रों, वात रंध्रों, तनों में वात रंध्रों द्वारा निकाला जाता है, वात रंध्रों द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अगले लाइन में लिखेंगे, पौधे अपने अपशिष्ट को पत्तियों को गिराकर छाल को उतारकर और फलों को गिराकर भी अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। फल भी एक तरह का ना उनका वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है वो, ठीक है, गिरा के अपशिष्ट मुक्त होते हैं, ठीक है, फलों को गिराकर अपशिष्ट मुक्त होते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, फल भी एक प्रकार का गोंद होता है ना, गोंद, वो भी एक प्रकार का उनका वेस्ट है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे भाई, अच्छा एक मिनट, हिंदी वाले एक बात और लिख लेंगे, एक बात और लिख लेंगे, लिख लो, फलों में इकट्ठा ठोस अपशिष्ट, लिखो, फलों में इकट्ठा ठोस अपशिष्ट को रेफाइड कहते हैं, को रेफाइड कहते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक नंबर में, लिख लो, को रेफाइड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखो, इंग्लिश वाले लिख लो, एक्सक्रीशन इन प्लांट में लिखना है, ठीक है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर CO2 कॉमा वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, यानी O2, CO2 वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगली लाइन में लिखेंगे,
द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ब्रैकेट में CO2 कॉमा O2 एंड वाटर वेपर ब्रैकेट बंद, CO2 O2 एंड वाटर वेपर ब्रैकेट बंद। आगे लिखेंगे आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा, आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स, आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स, एंड लेंटिकल्स लेंटिकल्स ये स्टेम के स्टोमेटा को लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स एंड रिलीज्ड टू द एयर, एंड रिलीज्ड टू द एयर, एंड रिलीज्ड टू द एयर। अगले लाइन में लिखो द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, इन देयर बॉडी पार्ट्स, इन देयर बॉडी पार्ट्स। लिखेंगे आगे लिखेंगे लाइक लीव्स, लाइक ऐसा लिखना लाइक शेडिंग ऑफ लीव्स, लाइक शेडिंग ऑफ लीव्स, लाइक शेडिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्ते गिराकर, शेडिंग ऑफ लीव्स, पिलिंग ऑफ बार्क जो उनकी छाले निकलने लगती हैं, पिलिंग ऑफ बार्क PEL, ठीक है ना, पिलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट, एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द सॉलिड वेस्ट, द सॉलिड वेस्ट ऑफ प्लांट, द सॉलिड वेस्ट ऑफ प्लांट विच इज फाउंड इन फ्रूट्स, विच इज फाउंड इन फ्रूट्स इज कॉल्ड रेफाइड्स, विच इज फाउंड इन फ्रूट्स इज कॉल्ड रेफाइड्स, RAPHIDES रेफाइड्स, ठीक है। तो बच्चों प्लांट का हो गया खत्म। आपको पता है प्लांट का भाई जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसी में ही वो एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं, ठीक है, स्टोमेटा और लेंटिकल से, ये बात हमने भी कर ली। चलिए अब लिखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल, अब लिखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन एनिमल। चलिए लिखेंगे पहला लिखेंगे अमीबा में, पहला लिखेंगे अमीबा में। तो आपको पता ही है अमीबा के बारे में मैंने बाहर निकालने का तरीका क्या बताया था कि भाई उसका कोई स्पेसिफिक प्लेस तो होता नहीं है, तो वो अपने एक हिस्से को क्या करता है, ब्रस्ट करता है और वेस्ट को बाहर कर देता है। तो लिखेंगे जरा पहला पॉइंट, इन अमीबा, इन अमीबा और इन अमीबा और ओ आर, इन अमीबा और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द वेस्ट मटीरियल सीओ टू, द वेस्ट मटीरियल सीओ टू, द वेस्ट मटीरियल सीओ टू
इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये रेस्पिरेशन के टॉपिक में मैं बता चुका हूं आपको, इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बट नाइट्रोजन वेस्ट लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय वाटर रिमूव्ड बाय बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मतलब किसी एक जगह को ब्रस्ट करना और वहां से बाहर निकाल देना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, चलिए अगले लाइन में लिखेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिख लिया, अब सेकेंड पॉइंट में लिखो इन अर्थवॉर्म, इन अर्थवॉर्म सेकेंड पॉइंट लिखो, इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर TUBU, ठीक है, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफरीडिया, नेफरीडिया, नेफरीडिया लिख दिया मैंने यहां पर लेंटिकल्स के ऊपर, नेफरीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, एंड मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, एंड मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। ठीक है, अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखेंगे ह्यूमंस में, ठीक है, लिखेंगे इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रॉन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्पेलिंग चाहे तो ये लिख लो नेफ्रॉन, विच इज प्रेजेंट इन द किडनीज, विच इज प्रेजेंट इन द किडनीज, विच इज प्रेजेंट इन द किडनीज। ठीक है, ठीक है, चलिए तो लिखेंगे जरा टॉपिक, लिखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, मानव में उत्सर्जन, लिख लो मानव में उत्सर्जन। आज ये टॉपिक खत्म, ठीक है जी, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, एनिमल तो कर लिया हमने, ठीक है, अब हम किस में करेंगे, ह्यूमन में। बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन उसकी किडनी से होता है, उसकी किसने किससे होता है, किडनी से। तो मैं यहां पे आपको दो डायग्राम बना रहा हूं, बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, और उन दोनों डायग्राम के अंदर क्या होगा कैसे होगा ये सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है। तो दो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, उनके नाम भी लिख दूंगा।
ये चाहे तो आप अपने मतलब इसके पहले इस फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बना लेना आराम से, ठीक है। बच्चों बनाते चलो ये, ठीक है, या तो वीडियो पॉज करके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
है। चलो देखें बच्चों, एक एक करके मैं सबके नाम भी लिखवा दूंगा और सारी बातें ही बता दूंगा कि क्या है, कैसे है और किस प्रकार है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर इसी बात पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात क्या बताऊं, ये है आपका किडनी का डायग्राम। किसका डायग्राम है? किडनी का डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किडनी का डायग्राम है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, जिसे मैं ये रेड से पेंट कर रहा हूं, ये क्लीन ब्लड है। ठीक है, और जिसे मैं ब्लैक से पेंट कर रहा हूं, वो इम्प्योर ब्लड है, यानी डर्टी ब्लड है। ये आपका एंट्री कर गया डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड का मतलब क्या हुआ? जो खून गंदा हो चुका है, जिसमें CO2 वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, देखो डर्टी ब्लड इससे एंटर करेगा और यहां पर आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो, अजीब सी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पर। इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। यहां से लेके इस पूरे हिस्से को बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। अब इसके अंदर ये कौन कौन है, ये मैं यहां पे बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये फिगर यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने इसको जूम करके, समझ लो कि इस एरिया को मैंने जूम करके यहां पे दिखाया आपको। ठीक है, अच्छा ये है कौन, ये जो हिस्सा है, जो ये ऐसे यानी कि क्या यू बन रहा है, देख रहे हो यहां पे भी यू बनाया हुआ मैंने, तो ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। मैं यहां पे भी नाम लिखूंगा सबके। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, छन्ने लगे होते हैं। छन्ने कैसे, जैसे चाय छानते हो तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है ना, तो इस तरीके के छन्ने लगे होते हैं। और वो छन्ने लगभग लगभग मान के चलो कि लगभग 13-14 लाख छन्ने लगे होते हैं इतनी सी किडनी में 13-14 लाख क्या लगे होते हैं, छन्ने लगे होते हैं, जिनका काम होता है आपके क्या भाई, ब्लड को पूरी तरीके से छान के प्योर कर देना और गंदगी को अलग कर देना। तो जो साफ खून होता है वो उसे इसमें डाल देता है। तो देखो यहां चला गया, ये हो गया आपका क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड, साफ खून, साफ रक्त। ठीक है, और जो गंदा खून होगा, ठीक है, जो गंदा खून होगा उसे बॉडी से बाहर करने के लिए तैयार रहेंगे, वो क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन यहां से देखो, ध्यान से देखना, मैंने एरो देखो पहले कैसे बनाया है, ये एरो बनाया है मैंने अंदर की तरफ, यानी गंदा खून अभी आया है यहां पे, गंदा खून यहां पर आया है, यहां से साफ हुआ। साफ किसने किया? ग्लोमेरुलस ने, हिंदी में केशिका गुच्छ ने। केशिका गुच्छ ने क्या किया? केशिका गुच्छ मतलब क्या, बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा, इसलिए उसका नाम पड़ा केशिका गुच्छ, जिसके अंदर बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, छन्ने लगे होते हैं, लगभग 13-14 लाख छन्ने होते हैं, जो उसको छान के गंदगी को अलग करते हैं, प्योर ब्लड को अलग करते हैं, प्योर ब्लड को इसमें डाल देते हैं, गंदगी को भाई वो वापस इस पूरी दशा से यहां पे लेके जाते हैं। ये होता है यूरेटर, यानी क्या, ब्लैडर। यहां से ये जो होता है, देखो मैं बता देता हूं, ठीक है, ये पूरा होता है आपका ब्लैडर। क्या होता है? ब्लैडर होता है। ब्लैडर मतलब क्या, जहां पे जो यूरिन है, ठीक है, मूत्र है, वो इकट्ठा होगा। ठीक, और ये रास्ता हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर मतलब क्या, ठीक है, मूत्र वाहिनी मतलब क्या, यहां से हम लोग क्या करते हैं भाई, वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ब्लैडर में पहले इकट्ठा होता है, ब्लैडर से इकट्ठा होने के बाद बाहर निकाल देते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे कैसे है वो मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो छानने का काम असल में किया किसने, इसने किया, तो इसको समझते हैं। पहली बात, इसका नाम क्या है, इस ये जो छन्ने लगे हुए हैं, इस छन्ने का नाम क्या है, इस छन्ने का नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, हिंदी में केशिका गुच्छ, जिसमें लगभग लगभग 13-14 लाख क्या होते हैं बच्चों, छन्ने लगे होते हैं। अब देखो मैंने क्या दिखाया, ये देखो, ये डर्टी ब्लड ने एंटर किया, क्या एंटर, अब ये जब डर्टी ब्लड एंटर करेगा तो इसमें छन्ने लगे हुए हैं,
और ये क्या करेगा, इसको छानेगा, साफ करेगा। क्या करेगा, इसको छानेगा, साफ करेगा, और प्योर ब्लड को अलग कर देगा, गंदगी को अलग कर देगा। गंदगी क्या होती है, गंदगी होती है नाइट्रोजन वेस्ट, यानी जो भी हम खाते हैं उसमें जो भी अमोनिया प्रोडक्ट होता है, मतलब यूरिया होता है, अमोनिया प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो बॉडी से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा उसे अलग कर देगा, अच्छे ब्लड को आपकी बॉडी में, और वेस्ट को ब्लैडर की तरफ, ठीक है, ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, मूत्राशय, ठीक है। चलिए तो फिर क्या होगा, यहां पे चला गया किसमें, ग्लोमेरुलस में। अब ये देख रहे हो आप, ये ऐसे ये यू बना हुआ है, इसे बोला जाता है बॉमन कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बॉमन्स कैप्सूल। ये एक बॉमन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसी वजह से इसे बॉमन्स कैप्सूल कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है बोमन संपुट, संपुट, बोमन संपुट, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्लोमेरुलस जब ब्लड को छान देता है, साफ कर देता है, तो भाई गंदगी को डाल देता है किसमें, बोमन कैप्सूल में। किसमें डाल देता है, बोमन कैप्सूल में। और ये वाले नस दिख रही है, ये देखो मैं दिखाता हूं। अब देखो यहां से गंदगी आई, छना, छन के साफ वाला यहां चला गया, छन के साफ वाला यहां चला गया, इस वाली नस में चला गया, साफ वाला, ये साफ वाला इसमें आ गया भाई, ठीक है, ये छन के साफ वाला इसमें आ गया। ये छन के बच्चों इसमें आ गया, ये आ गया क्लीन ब्लड, ये आ गया क्लीन ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहां पर आ गया बच्चों, शुद्ध रक्त कहां पर आ गया, बॉडी में। कहां पर आ गया, बॉडी में, शरीर में। कहां पर आ गया, शरीर में, क्योंकि साफ खून को तो शरीर में भेजेंगे। और अब रह गई गंदगी, तो बच्चों जो गंदगी रह गई, मैंने देखो ये एरो बनाया है, ये ना इनसे जुड़े हुए रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, बोमन कैप्सूल से जुड़े हुए रहते हैं, किससे जुड़े हुए रहते हैं, बोमन कैप्सूल से। और जो भी गंदगी होती है, यानी गंदगी का मतलब क्या हुआ, यूरिया, यूरिया मतलब अमोनिया प्रोडक्ट, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, ठीक है, इन सबको ये क्या कर देते हैं, बॉडी के अंदर, ये सॉरी बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर भेजते हैं, बॉडी से बाहर भेजते हैं। और यहां पे लाके क्या करते हैं, यहां पे एक ब्लैडर लगा होता है, ब्लैडर लगा होता है, मूत्राशय लगा होता है, वहां पे लाके इकट्ठा कर देते हैं, वहां पे लाके क्या कर देते हैं, उस सारे यूरिन को, उस सारे गंदगी को लाके यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। और फिर जब वो पूरी तरीके से भर जाता है, फिल हो जाता है, तो हमें भाई टॉयलेट फील होने लगता है कि हाँ भाई वो भर चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, उसे बॉडी से बाहर कर देना चाहिए। फिर हम उसे बॉडी से क्या करते हैं, यूरेटर से बाहर कर देते हैं। और इस तरीके से यही प्रोसेस बार 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 चलता रहता है। और इस तरीके से हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देते हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को, नोट करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। और क्या करना है, मैंने सारी बातें इसके अंदर लिखवा दी आपको, ठीक है, एक दो बातें और देख ले, तो कुछ छूटा तो नहीं, वैसे तो सब कुछ मैंने लिखवा दिया है। ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, वैसे तो बचा नहीं है कुछ लिखने के लिए। अब जैसे ये वेस्ट है, मुझे पता है ये वेस्ट है, तो ये क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड विच हैव यूरिया, अमोनिया एंड अदर वेस्ट, एंड अदर वेस्ट। हिंदी में छना छना हुआ रक्त, छना हुआ रक्त जिसमें जिसमें यूरिया, अमोनिया और दूसरे दूसरे अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट हैं,
दूसरे अपशिष्ट हैं, ये किसके बारे में लिखवाया मैंने, वेस्ट वाले के लिए जो ब्लैक लाइन जा रही है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, रेड वाले के लिए मैं रेड वाला लिखवा देता हूँ, रेड वाले के लिए लिखवा दूंगा क्या, है ना, क्या लिखवाएंगे रेड वाले के लिए, क्या लिखेंगे, ठीक है, क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड विच विच डज नॉट हैव एनी इम्प्योरिटीज, एनी इम्प्योरिटीज, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ठीक है, हिंदी वालों के लिए ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे शुद्ध रक्त जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अशुद्धि कोई अशुद्ध पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए लिखवाया हमने, इस रेड वाली के लिए, ठीक है, चलो उतार लो, खत्म हो गया ये। है ना, अच्छा यही होता है बच्चों कि जब अगर किसी का किडनी, किडनी बोले तो मतलब क्या, नेफ्रॉन, अच्छा अगर अब देखो ये इस पूरे डायग्राम को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है, ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेफ्रॉन, हिंदी में भी नेफ्रॉन, इस पूरे डायग्राम को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। तो याद रखना ये पूरा डायग्राम किसका है, किडनी का, ये पूरा डायग्राम किसका है, किडनी का, लेकिन ये पूरा डायग्राम किसका है, नेफ्रॉन का, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है, सफाई का काम नेफ्रॉन करता है, किडनी का काम पूरे प्रोसेस को संभालना है। तो अगर किडनी का डायग्राम बनाने के लिए बोले तो ये आएगा, ये आज तक आया नहीं है, ये वाला डायग्राम, किडनी वाला डायग्राम आज तक आया नहीं है, आज तक, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को एक स्टेप आगे बढ़ा के चलता हूं तो इसलिए बता देता हूं, ठीक है। हिंदी में किडनी को कहते हैं वृक्क, कहीं कंफ्यूज हो जाओ याद रखना, वृक्क, ठीक है। नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं वृक्क, वृक्क, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो मैंने दोनों लिखवा दिया। तो बच्चों किडनी का डायग्राम, वृक्क का डायग्राम बोले तो ये बनाओ, वैसे आज तक कभी नहीं आया, जब भी आया है नेफ्रॉन का आया है, तो ये बनाना है आपको, ये पूरा ऐसे लिख के दिखाना, पूरा एक एक चीज एज इट इज ऐसे लिखना है, ठीक है। तो भाई किडनी पूरे फंक्शन को संभालता है, जबकि नेफ्रॉन पूरा काम करता है, पूरा काम करता है, क्या क्या करता है, सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम नोट कर लो, ठीक है, उतार लो अच्छे से, एक एक चीज बता दी मैंने। और याद रखना नेफ्रॉन खराब होने पर ही, नेफ्रॉन में दिक्कत आने पर ही डायलिसिस की बीमारी होती है, जिसे कहते हैं खून बार बार क्या कहते हैं अपना जाके साफ करवा के आते हैं, जिन भी लोगों को अगर डायलिसिस की बीमारी हो गई तो याद रखना पूरी जिंदगी बेचारों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, और पूरी जिंदगी क्या करना पड़ता है भाई, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड बार बार साफ, तो इसलिए इसका एक ही उपचार है, पानी दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर जरूर पिए मिनिमम, बाकी ज्यादा तो आप पी सकते हैं, लेकिन ये नहीं पानी पीने के चक्कर में खाना खाना भूल जाओ, खाना भी खाना है पानी भी पीना, क्योंकि ये पथरी वगैरह जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, और लेकिन ये डायलिसिस तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो ये इनका कारण ही यही होता है, मेन सबसे जो एक बेसिक कारण होता है वो ये होता है कि पानी सही से नहीं पीना, तो इसलिए बच्चों पानी बहुत अच्छे से पियो, लेकिन पानी साफ पानी, ठीक है। क्या होता है कभी कभी इलाकों में गंदा पानी भी आ जाता है, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए साफ पानी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भाई पिए, ठीक, क्योंकि जितना पानी पियेंगे किडनी आपकी उतनी ही बेटर फंक्शन करती रहेगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में यही खत्म करा रहा हूं, इसका लिखवाने का प्रोसेस है, डायलिसिस का प्रोसेस है, वो नेक्स्ट क्लास में लिखवा दिया जाएगा या पीडीएफ डलवा दी जाएगी, समझ लेना कि ये चैप्टर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी शुरू हो सकता है, और अगर ये इसका पीडीएफ डाल दिया तो नहीं लिखवाऊंगा, और अगर पीडीएफ नहीं डाला तो लिखवा के फिर नया चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म होती है, इसे नोट कर लीजिएगा।